सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और पूजा हो चुका है, कपड़े भी डाल दी हूँ वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए। और आज सैटरडे है, मुनी को छुट्टी है, मुनी घर पर ही है, उसको इडली दी हूँ मैं बनाकर, वो खा चुकी है। फिर अभी मैं अभी खाने के लिए बैठी हूँ ना, इडली बनाया और चटनी, तो उसको अभी और चाहिए, तो अभी वो चीनी के साथ खा रही है। और बच्चों का छुट्टी होता है तो उस दिन काम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो आज वॉशरूम में सब क्लीन करना था, इसलिए आज मेरा ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, 11 बज गया और अभी मैं खा रही हूँ। और ये इसका सेकेंड है ना, सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम ये खा चुकी है, 9 बजे ही खाई थी, फिर बोल रही है कि अभी फिर भूख लगा है, तो वो चीनी के साथ खा रही है। इडली चीनी के साथ कौन खाता है ना, मुनी को इडली पसंद है चीनी के साथ, इधर बताओ, नहीं बोलेगी वो, कार्टून देखने में है। तो आज बना है इडली और चटनी, नारियल और मूंगफली की चटनी बनाई हूँ, तो खा लेते हैं। उसके बाद फिर देखिए हस्बैंड भी आ जाएंगे 1:30-2 बजे तक, तो मुझे लंच भी बनाना है फटाफट, पहले लंच ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ उसके बाद फिर लंच बनाऊँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, अगर कोई चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करी हूँ और अब आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए लंच। तो लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल। तो कढ़ी में घर में ही दाल जो होता है चना दाल, उसको भिगोकर बनाती हूँ। तो चना दाल मैं रात में भिगो दी थी, उसको अब ग्राइंड कर लेंगे और इससे ना कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनता है, जो हम बेसन से जो बनाते हैं ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो यहाँ पर देखिए चना दाल को मैं अच्छे से पीस ली हूँ, अब वो मसाले पीस लेंगे। तो ये एक मसाला 3 चीज़ों में काम आएगा। तो यहाँ पे मैं ली हूँ काली मिर्च, ज़ीरा, लहसुन, धनिया पाउडर ख़त्म हो चुका था तो मैं सूखा खड़ा धनिया ली हूँ और 2-3 हरी मिर्च। और इस मसाले से हम 3 बनाएंगे 3 डिशेस। तो क्या क्या बनाएंगे, तो पहले यहाँ पर मैं कढ़ी बनाने के लिए जो दही है उसको पतीली में ली हूँ, और कढ़ी हमेशा स्टील के पतीले में बनाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास स्टील का है नहीं, एल्युमिनियम का है, तो इसी में बना लूँ। वैसे मैं अभी एक टाइम के लिए बनाऊँगी, थोड़ा ही बनेगा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इसमें ही बना ले रही हूँ। तो दही को अच्छे से मथ लेंगे पानी डालकर, और इसमें मसाले डाल देंगे, हल्दी, धनिया पाउडर मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि धनिया ऑलरेडी मैं पीसी हूँ मसाले में ही, नमक डाल दी हूँ और यहाँ पे देखिए 2 चम्मच मसाला डाल दी हूँ। तो यहाँ पर एक बार मैं अभी यूज़ की हूँ और 2 डिशेस बनाऊँगी उसमें भी यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गया है, उसमें तेल डाल दी क्योंकि अभी हम बनाएँगे इसमें पकौड़े, तो उसी दाल से बनाएँगे जो मैं पीस के रखी हूँ दाल को, उसी में बाकी मसाले जो अभी मैं पीसी हूँ। तो देखिए ये दूसरा है, एक तो कढ़ी में डाली हूँ और ये पकौड़े में भी मैं सेम मसाला डाल रही हूँ। फिर इसमें डालूँगी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और इसको अच्छे से मथ लेंगे क्योंकि इसको मथने में काफ़ी टाइम लगता है। तो तेल भी गर्म हो चुका है, पकौड़े बना लेंगे फटाफट, और वहाँ पे उस तरफ कढ़ी के लिए भी देखिए पतीली में जलाएंगे, वो उबले, जब तक वो उबलेगा तब तक हमारे पकौड़े भी बनकर रेडी हो जाएंगे। तो बने रहिए व्लॉग में, और व्लॉग अच्छा लगा, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल में कोई नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप कढ़ी कैसे बनाते हैं। तो मैं पहले तड़का नहीं लगाती हूँ जब भी मैं बनाती हूँ, तो कढ़ी पहले मैं ऐसे ही उबाल लेती हूँ उसके बाद तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पकौड़े बन गए, तो सब मैं नहीं डालूँगी, थोड़ा रखूँगी क्योंकि मुन्नी पकौड़े खाती है, क्योंकि वो तीखा नहीं होता है ना इसलिए, और हम लोग भी खाते हैं। तो यहाँ पर कुकर में चावल चढ़ा दी हूँ और ये है लौकी, तो इसका मैं बनाऊँगी बचका, या फिर आप भजियाँ जो बोलते हैं वो, तो बचका बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं कद्दू आधा ली हूँ, इसको छील लेंगे, तो छीलने के लिए पीलर यूज़ कर रही हूँ मैं और कट कर रही हूँ मैं यहाँ पे चाकू से, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा दिक्कत हो रहा था, मैं सोची ना कि चलो जो आलू चिप्स जिससे कट करते हैं उससे करेंगे, बट नहीं हो पा रहा था, मैं लास्ट में फिर चाकू से ही कट की हूँ। और वो मसाला देखिए 2 चीज़ों में डाली हूँ, एक कढ़ी में और दूसरा पकौड़े में, जो हम दही कढ़ी के पकौड़े बनाए थे उसमें, और अभी ये जो बचका बनेगा उसमें भी डालूँगी, तो तीनों में मैं सेम मसाला डाल रही हूँ।
तो यहाँ पे कट भी हो जा रहा है जल्दी फटाफट, सब कुछ ही जल्दी कट हो जा रहा था। मैं तो बेकार में सोच रही थी कि नहीं होगा। चलिए यहाँ पर कढ़ी भी बन गया है, तड़का लगा लेते हैं। जीरा, काली राय, जीरा से, सूखी मिर्च और तेज़पत्ता से, इसमें मैं राय नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी बनकर रेडी हो गया, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया क्योंकि थोड़ा ही बनाना था, उस चक्कर में गाढ़ा हो गया। और यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ ना ये बचका, उसमें चावल भी मैं घर में पीसी हूँ, तो चावल रात में भिगो दी थी, चावल और वही दाल पीसे थे उससे मैं बनाई हूँ बचका। और खाना निकाल दी हूँ हस्बैंड के लिए, जो हम बोदी बोलते हैं ना वो है, बोदी का फ्राई है, बचका है और कढ़ी। तो चलिए हस्बैंड को देते हैं, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी क्योंकि मैं लेट से ब्रेकफास्ट की। फ्रेंड्स 4:30 बज रहे हैं और मैं लेकर बैठ गई हूँ। देखिए ये मेरे हाथ में A4 साइज पेपर मुन्नी लाला के दे रही है, इसका स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं वो तो आप देखिएगा। तो मैं फ़ोन रख देती हूँ यहाँ पर ट्राईपॉड में और स्टार्ट करते हैं अपना काम। प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं सोच रही थी, पता नहीं मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस के टाइम में तो हमें बनाते थे और अब उस जब से कॉलेज ख़त्म हुआ मैं कभी ड्राइंग की ही नहीं हूँ, तो पूरे 8-9 साल हो चुके हैं। तो देखते हैं कैसा बनता है ड्राइंग हमारा। वैसे मैं ड्राइंग करने से आज मैं फ़ाइनल बनाने से पहले मैं एक दिन पहले क्या की थी ना, मैं प्रैक्टिस की थी कि मुझे आ रहा है या नहीं, क्योंकि आदत छूट चुका है इसीलिए। और अगर अच्छा नहीं आएगा तो फिर बेटी भी रोने लगेगी कि माँ क्या बनाई हो। तो पहले मैं प्रैक्टिस कर ली हूँ एक दिन पहले, उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ। तो आप लोग कमेंट करिएगा कैसा बन रहा है। सही में ना ये बनाते बनाते ना मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। हमारे टाइम पेरेंट्स नहीं बना के देते थे, हम खुद ही बनाते थे या फिर कभी कभी भाई लोगों का हेल्प ले लेते थे, कभी कभी वो हमें और लोग नहीं बना के देते थे, मम्मी पापा नहीं बनाते थे, हमको ही बनाना पड़ता था। तो सही में आज ड्राइंग करते वक्त स्कूल की याद आ गई। क्रिसमस डे स्कूल में, हालांकि क्रिसमस डे को छुट्टी होता था लेकिन वहाँ हम लोग स्कूल में भी एक दिन पहले काफ़ी एंजॉय करते थे। तो यहाँ पर ड्राइंग तो मतलब पेंसिल से मैं कर दी हूँ, फिर स्केच से करेंगे, फाइनल लुक आपको मैं लास्ट में बताऊँगी। और यहाँ पर मुन्नी देखिए अपना बॉक्स में रिलायंस कार्ड रख लिए, उसको क्या बताएं। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको फाइनल लुक कैसा लगा, कमेंट करिएगा आप लोग ज़रूर, ठीक है। व्लॉग में बने रहिए। मुन्नी आ इधर, बताएंगे मुन्नी का प्रोजेक्ट वर्क। आप पापा को दिखाए, ऐसा नहीं करो, पापा को दिखाए। पापा कैसा है बताना, फोन में बिजी कैसा अच्छा लगा कि नहीं, माँ इतना मेहनत करके बनाई है, देखी अच्छा ना। सांता क्लॉस खुश है ना, सांता क्लॉस को कौन खुश किए, माँ खुश किए। सांता क्लॉस हमेशा खुश ही रहते। अब ये कहते थे घर देखो मुन्नी के लिए दो गिफ्ट रखा हुआ है, अच्छा लग रहा है ना। देखो प्रोजेक्ट रहता है बच्चा लोग का, काम करना पड़ता है पेरेंट्स का, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, जो भी है करना हमको। स्कूल पे भी मैं बहुत जल्दी नहीं करती थी, छोटा वाला भाई था ना उससे करवाती थी, मैप वैप डालना रहता था, तो अब इसके चलते मुझे करना पड़ा, लेकिन अच्छा लग रहा है। उल्टा दिख रहा है, मेरी क्रिसमस कैसा है फ्रेंड्स कमेंट करिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसमें क्या क्या यूज किए हैं, स्केच पेन यूज किए हैं और ग्लिटर पेन, अच्छा लगता है। इनका मैम रख लेते हैं वरना मैं यहाँ चिपका देती, है ना मुन्नू, स्कूल में ले लेंगे, कैसा लग रहा है कमेंट करिएगा। तो थैंक यू बोली माँ को, ये क्या है अंकल का, हाँ बताओ माँ को, तो थैंक्स भी नहीं बोली, मुझे गंदी लड़की है। थैंक
अरे 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 अच्छा चलो चलो मुनी का प्रोजेक्ट हो गया है कंप्लीट। अच्छा लगा तो आप लोग अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर और एडवांस में मैरी क्रिसमस। मैं यहाँ पर देखिए वाइट कलर ही था, मैं कलर नहीं की थी, बाद में पता चला कि कुछ से तो अलग दिख रहा है, बाद में देखिए अरे यार वहाँ पे मैं तो रेड कलर ही नहीं की थी। तो ये देखिए ये रहा फाइनल लुक। मेरी क्रिसमस फ्रेंड्स आप सभी को एडवांस में। तो आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा मेरी क्रिसमस, बाय बाय, टेक केयर।